वैसे तो पूरे देश में महंगाई से बुरा हाल है, लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन कन्नौज में कुछ अलग तरीके से इस महंगाई का विरोध हुआ है। यहाँ टमाटर की टोकरी लेकर किसान और सपा कार्यकर्ता बैंक पहुंच गए और टमाटर के लिए लॉकर की मांग कर दी। वहीं जब बैंक मैनेजर ने बताया कि बैंक में टमाटर जमा करने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो सपा नेता ने कहा कि प्लीज इसे हल्के में ना ले, टोकरी में रखे ये सब सोने के सिक्के हैं और इन्हें लूटे जाने का खतरा ज्यादा है। अपना विरोध प्रदर्शन शायद जाहिर करना चाहते हैं, लेकिन बैंक में कोई टमाटर जमा करने की व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। वो किसान हैं, सब्जी मंडी जाए बाहर बेचे, उनकी अपनी समस्याएं हो सकती हैं, उसका निराकरण जो है अपने स्तर से। अच्छा, आपको क्या लगता है कि महंगाई जो इस समय अपनी चरम सीमा पर, इसको लेकर के आपका क्या कहना है, क्या लगना है, टमाटर ज़्यादा महंगे हो गए हैं? जानकारी नहीं है इस चीज़ की, टमाटर कितना महंगा है, क्योंकि हम खाते नहीं। अच्छा, टमाटर खाते नहीं है, तो ये तो आपने बिल्कुल एकदम भाजपा के नेतृत्व वाली बात कर दी। टमाटर नहीं खाया जाता है, सही बात तो ये है कि टमाटर नहीं खाते हैं। अच्छा, बताया गाड़ी तो होगी, टमाटर क्या चल रहा है? हां, सुना तो अभी बताया आपने कि टमाटर 300 रुपए के लगभग है, तो सही बात है, टमाटर का अगर इतना रेट है तो इतना महंगा है वो। बैंक मैनेजर गजेंद्र सिंह ने बताया कि उनकी मांग सुनकर वे पहले तो हैरान हो गए, हालांकि बाद में उन्हें पूरा माजरा समझ में आया, तो फिर उन्होंने अपने विवेक से किसान और सपा कार्यकर्ता को समझा बुझाकर बैंक से बाहर भेजा। बैंक मैनेजर के मना करने पर सपा कार्यकर्ता योगेंद्र कहने लगा कि ये टमाटर नहीं बल्कि सोने के सिक्के हैं और बैंक के बाहर इनके लूटने की संभावना है। तो आपको क्या लग रहा है, ये महंगाई की मार है? ये महंगाई नहीं, ये अड़ानी और अंबानी की सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये पहले ही पूरा का पूरा टमाटर डम कर लिया है। अब यही अगर किसान को अगर इसके रेट ये मिल जाए तो आज किसान खुशहाल होता है, सबसे बड़ी देश की तरक्की में किसान का नंबर एक का हाथ होता है, लेकिन ये कहीं नहीं। किसान को सिर्फ वही रेट मिले 10 या 12 रुपए वाले, अब रेट मिले हैं जो आज 320 वाला, अगर किसान को रेट मिल जाता तो किसान आज जो बरसात या ये तमाम आपत्तियां विपत्तियां आई तो किसान के आंसू। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी महंगाई का प्रदेश भर में विरोध कर रही है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि केंद्र और प्रदेश की सरकार महंगाई रोकने में विफल साबित हो रही है, बावजूद इसके इनके लिए महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। आम आदमी की थाली से पहले ही सब्जियां गायब हो रही थी, अब टमाटर के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसके चलते थाली में भोजन का स्वाद गायब हो गया।